बाकी के लोगों को मालूम है, मैंने जैसे बोला आप थोड़ी झपकी भी ले सकते हैं, हाँ मालूम है, तो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो अभी सुजोग क्या है? सु मीन्स हैंड एंड जोक मीन्स, ये कोरियन वर्ड है सुजोग। तो हैंड और फूट के ऊपर की ट्रीटमेंट है सुजोग, कोरियन में सुजोग हैंड और फूट। ये ट्रीटमेंट प्रोफेसर को, प्रोफेसर के दिमाग में कैसे आए, ये ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या है? सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी प्रिंसिपल पे ये ट्रीटमेंट काम कर रही है। सिमिलैरिटी, सादृश्यता, साधर्म्य, सेम थिंग, सेमनेस, इसके ऊपर काम कर रही है ये ट्रीटमेंट। हाँ, होम्योपैथी में, होम्योपैथी सम समा हम बोलते हैं ना, तो ये भी सभी, जैसे मैंने बोला कि आप आयुर्वेद कर रहे, होम्योपैथी कर रहे, सबको हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब धर्म के शास्त्र, धर्म के शास्त्र है वो भी इसमें इंटीग्रेट होने वाले हैं, ऐसे उन्होंने दिया है कि कभी किधर भी कॉन्ट्राडिक्शन होने वाला नहीं है। आप अगर सुजोग की बात कर रहे हैं तो सुजोग का किसी से कॉन्ट्राडिक्शन होने वाला नहीं। सुजोग इज द हार्मोनाइजिंग वे ऑफ लाइफ, सबको हार्मोनाइज करने वाली है। सुजोग में जो काम करेगा उसके सामने बाइबल भी सेम थिंग बता रहा है वो बताएगा, उसको कुरान भी सेम थिंग बता रहा है वो बताएगा, उसको उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखाई देगा। हिंदू के भी जितने भी जो ग्रंथ है उसको लगेगा भगवद गीता भी यही बता रही है, कॉन्ट्राडिक्शन कुछ नहीं है। सुजोग का चश्मा हम पहनते हैं तो सभी जगह हमें ये दिखाई देगा, कॉन्ट्राडिक्शन किधर भी नहीं, हार्मोनाइजिंग। इट इज द हार्मनी इन बॉडी माइंड सोल एंड लाइफ। सुजोग क्या सिखा रहा है? हार्मनी इन बॉडी माइंड सोल एंड लाइफ। तो इसमें हम लोग सिमिलैरिटी प्रिंसिपल पे सुजोग काम कर रहा है। ये सिमिलैरिटी कैसी है? सिमिलैरिटी में हमेशा कम्युनिकेशन होता है। तो बॉडी में भी ये जो बॉडी है, पूरी बॉडी है, वो बॉडी हाथ से सिमिलैरिटी बना रही है, हाथ में बॉडी की सिमिलैरिटी आ रही है। कैसे? देखो, बॉडी का एक सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन बॉडी का, और उसमें से पांच अपेंडेजेस बाहर निकले हैं। पांच अपेंडेजेस है, दो हाथ है, दो पैर है और एक गर्दन, ये नेक का हिस्सा, पांच अपेंडेजेस। तो ये भी एक सेंट्रल पोर्शन है और उसमें से पांच उंगलियां बाहर निकली है। तो इधर तो मोटा मोटी तौर पे हमें सिमिलैरिटी दिखा रही है, इधर मोटे मोटे तौर पे कि एक सेंट्रल पोर्शन है और पांच अपेंडेजेस बाहर है, तो इसका मतलब इसका कुछ तो बॉडी से कनेक्शन हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें दो जो अपेंडेजेस है वो बहुत बड़े साइज के है, दोनों की लेंथ ज्यादा है, दोनों की लेंथ उससे कम है और एक की लेंथ और कम है, बॉडी में भी वही दिखाई दे रहा है। दो पैर की लेंथ ज्यादा है, दो हाथ की लेंथ उससे कम है और नेक एरिया की लेंथ उससे भी कम है। तो इधर भी सिमिलैरिटी का कंफर्मेशन हो गया कि सिमिलर हो रहा है। बाद में हम देख रहे हैं कि इसके जॉइंट जो है, एक दो तीन जॉइंट है हाथ के, पैर के भी तीन जॉइंट है, एक दो तीन जॉइंट है। और इधर भी हम लोग को देखने में मिल रहा है कि एक दो तीन जॉइंट हाथ के, पैर में भी तीन जॉइंट है, यानी इधर हर एक हिस्से में तीन तीन जॉइंट दिख रहे हैं। तो हाथ पैर, ये चारों उंगलियां है वो हाथ और पैर को रिप्रेजेंट करती होगी। और गर्दन के हिस्से में दो जॉइंट है, एक और ये दूसरा जॉइंट, दो जॉइंट, तो इसके लिए अंगूठे को दो जॉइंट आ गए। तो इसमें भी हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये अभी क्या हो रहा है, ये बॉडी को, ये जो पार्ट है वो अपना क्या रहेगा, नेक का हिस्सा रहेगा, गर्दन का हिस्सा रहेगा, और ये चार जो है वो हाथ और पैर रहेगा। अभी इसमें से हाथ और पैर कौन है ये भी हम ढूंढ निकाल सकते हैं, उसको कंफर्म कर सकते हैं। ये जो बड़ी उंगली है दो बीच की है वो क्या रह सकती है, पैर रह सकते, पैर हो सकते। और उसकी पोजीशन भी देखो, सेंट्रल ही है, पैर सेंट्रल ही है और हाथ बाहर से है। तो ये सेंट्रल ही है, दो पैर, ये दो पैर सेंट्रल और दो ये साइड के क्या रहेंगे, फिर हाथ रहेंगे। तो पूरी सिमिलैरिटी हमारे सामने आ रही है, ये सिमिलैरिटी सामने आ रही है। तो अभी इतना ये छोटा बच्चा भी अभी ट्रीटमेंट के बारे में बता सकता है। अगर मैं बोलूं कि उसको कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है तो मैं किधर ट्रीटमेंट दूं, वो झट से बता देगा। मेरा 5 साल का लड़का, 4 बरस पहले वो एक सेमिनार हम लोग का चल रहा था, उसका टीवी पे क्लिपिंग था, वो भी बच्चा घुटने के दर्द के लिए ट्रीटमेंट दे रहा है,
उस क्लिप पे, उसको 5 साल में समझ में आ गया इधर घुटने का ट्रीटमेंट देना है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि घर का कोई भी बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी ट्रीटमेंट कर सकता है, इतनी आसान ट्रीटमेंट। उसको सिर्फ बताया गया कि इधर ये घुटना है, उसको उसके समझ में डाल दिया कि ये पैर है, ये पैर का ये तेरा घुटना है, तो उसको समझ में आ गया। नीचे का अगर एंकल ज्वाइंट है तो किधर है, उसकी समझ में आ गया एंकल ज्वाइंट किधर है, घुटना किधर है। हाँ, एंकल ज्वाइंट किधर हो जाएगा, नीचे, नीचे एंकल ज्वाइंट है, ये घुटने का ज्वाइंट, ये कमर का ज्वाइंट, ऊपर का हाथ का भी वैसे, ये रिज ज्वाइंट हो गया। अभी जिस बाजू में मेरा लेफ्ट हैंड मैंने लिया, तो लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली जो है इधर की है, इंडेक्स फिंगर, वो लेफ्ट मेरा क्या रहेगा, हैंड को रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट हैंड। उधर का जो बड़ी उंगली है मिडिल फिंगर, वो मेरे लेफ्ट पैर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इधर का जो है वो राइट पैर है और ये राइट हैंड है। बॉडी को सेंट्रली हम लाइन खींचेंगे तो ये उस बाजू के हाथ और पैर, ये एक बाजू के हाथ और पैर। अगर दूसरे हाथ पे लेते हैं तो ऐसे ही देखेंगे हम लोग, हाथ पैर पे नहीं लेते हैं, पैर पे हाथों को नहीं लेते हैं तो पैर पे ले सकते हो, पैर पे भी वैसे ही है ट्रीटमेंट, दोनों पैर पे वैसे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इतनी इजी वे ऑफ ट्रीटमेंट इसमें, बाद में बॉडी के और भी बाकी जो है कि हम ट्रीटमेंट। अभी क्या हो रहा है कि समझो इधर घुटने को तकलीफ हो रही है, मेरे घुटने को तकलीफ हो रही है, तो सिमिलैरिटी के तौर पे मैं इधर देखूंगा, इधर मेरा घुटना है और इधर मैं ट्रीटमेंट जो दो जो भी ट्रीटमेंट मैं करूंगा वो उधर उसके रिजल्ट में, सिमिलैरिटी के तौर। अभी आप में से मैं पूछेगा कि ये कैसे हो रहा है, बराबर है, ट्रीटमेंट उधर घुटने की ट्रीटमेंट इधर कैसे हो रही है, सिमिलैरिटी तो है। तो सिमिलैरिटी जब है तो उसमें कम्युनिकेशन है, जो भी सिमिलैरिटी होती है उसमें कम्युनिकेशन होता है। समझो दिल्ली में कुछ उधर के हिंदू बस्ती में कुछ हो गया तो इधर की हिंदू बस्ती में झट से उसके रिफ्लेक्शन आएंगे कि भाई उधर कुछ हो गया, या दिल्ली में कुछ भूचाल आ गया तो बम्बई वालों को भी खबर आती है, सिमिलैरिटी, क्योंकि हमारे देश के दिल्ली वाले, तो ये सिमिलैरिटी बनी है, हमारे देश के हमारे लोग हैं तो सिमिलैरिटी बनी, तो हम क्या करेंगे, इधर भी हमारे इधर गड़बड़ हो जाएगी, उधर की गड़बड़, और हम गड़बड़ करने के बाद क्या करेंगे, उधर हम लोग कुछ मदद पहुंचाएंगे, जो भी है इधर से हम लोग क्या करेंगे, गड़बड़ होने के बाद मदद पहुंचाएंगे। हमें जब सिग्नलिंग मिल रहा है, सिग्नल मिलने के बाद उधर से हम कम्युनिकेट करेंगे और मदद पहुंचाएंगे। तो यही हो रहा है कि इधर मेरे घुटने में कुछ हो रहा है, उसका सिग्नल इधर मिल गया, सिमिलैरिटी, ये बस्ती में आ गया उसका सिग्नल, इस बस्ती में से उसको क्या जाएगा, अभी मदद मिल जाएगी, उधर से कुछ वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं तो उसकी मदद वो घुटने तक जाएगा। ये सिमिलैरिटी का मैंने जो बोला, ये सिमिलैरिटी प्रिंसिपल पे ये सुजोग काम करता है, ये सुजोग बेसिक में ये सब है। उसके आगे जब जाते हैं तो आगे बहुत बड़ी बात में एनर्जी लेवल पे सब चर्चा है, ये बेसिक में हम लोग ये कर रहे हैं हैंड और फिट ये, और सभी लोगों को किसी को समझ, किसी को भी कोई भी समझ सकता है। तो इसके अभी थोड़ा हम एक, इसके बाद में सबसे लास्ट प्रोफेसर ने एक हमें और भी इसका एक एडवांस फॉर्म जो दिया है, और उसको प्रोफेसर ने बोला एक मिशन के तौर पे आप उसका प्रचार करो। वो जो एडवांस फॉर्म है उसको जोन सुजोग की बोला गया है, जोन सुजोग। ये जो ट्रीटमेंट घर घर में अगर हम पहुंचाएंगे, इसमें किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं, किसी साइंस की जरूरत आपके पास नहीं है कि बॉडी में क्या ऑर्गन है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी मालूम नहीं है तो भी चले, ये घर घर में ये हमें पहुंचानी है, ये इसको मिशन करके लेके जाना है। और इसके लिए इसके जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, मैं कहीं भी, आप भी किधर अरेंज करते हो तो मैं उधर आके फ्री ऑफ चार्ज उधर आके मैं उसके लेक्चर देता हूँ, क्योंकि ये बात समाज में सोसाइटी में जानी चाहिए, हमारा हक है, हमारी हेल्थ ही हमारा हक है, और वो हमें अच्छी तरह से उसको निभाना चाहिए। इसके लिए ये काम आने वाली चीज़ है, कौन सी चीज़ ये मिशन तौर पे हमें लेके जाना है। इसमें क्या हो रहा है कि इतनी आसान और इजी वे ऑफ ट्रीटमेंट है कि आपको सिर्फ बॉडी को जोन के तौर पे देखना है, जोन बॉडी के 4 जोन करना है, 8 जोन करना है, और किधर क्या हो रहा है उधर सिर्फ ट्रीटमेंट देनी है। और ट्रीटमेंट भी कैसी देनी है, तो आप ये सादी ईयरफोन की वायर है ना,
वायर भी लगाएंगे तो ट्रीटमेंट होती है, किसी प्लांट का डेड डंटल वो लेते हैं तो भी ट्रीटमेंट हो रही है, स्ट्रॉ लेते हैं तो भी ट्रीटमेंट हो रही है, उधर चिप लगानी है, कुछ नहीं है, कागज है, कागज का टुकड़ा वो लगाने से भी हो रहा है, कुछ भी नहीं है उधर, सिर्फ फिंगर्स लगाएंगे तो भी ट्रीटमेंट हो रही है। तो देखो कितनी बहुत बड़ी बात ये प्रोफेसर साहब हमें देखेंगे, पूरे वर्ल्ड को इतनी बड़ी बात देखे गए है, और ये ट्रीटमेंट हम इसको क्लाइमेक्स की ट्रीटमेंट बोलेंगे, क्योंकि कहीं उधर भूकंप आया, कुछ हो गया, सुनामी जैसे कुछ हो गया, तो उधर आपकी सब मेडिकल इंडस्ट्री उधर फेल हो जाएगी, कितने जन को कितने ड्रग कितने मेडिसिन दे सकते हैं आप, कितने डॉक्टर वहाँ जाके काम करेंगे। तो वहाँ अगर ये नॉलेज जिसके पास है वो कितने लोगों को ट्रीटमेंट करे, कुछ ने सिर्फ उंगली लगा के भी ट्रीटमेंट करना है। ये सूजो की ब्यूटी ऐसी है कि जो मैंने बोला कि बीच में मेरा एक सेमिनार था उसमें 175 पेशेंट ऐसे बैठे थे और 175 पेशेंट आई वॉज ट्रीटिंग एट अ टाइम सेम टाइम, तो बाकी के पैथी में ऐसे नहीं कर सकते हैं, एक टाइम पे इतने पेशेंट को संभालना है। तो ये सूजोक में देखो हम क्लाइमैक्स की कंडीशन में जहाँ कुछ नेचुरल कैलामिटीज आती है उस वक्त सूजोक कितना काम करेगा। तो इसके लिए हमें सूजोक सीखना है, घर घर में सूजोक का ये जो जोन सूजोक का नॉलेज है वो घर घर में जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमेशा काम आने वाली चीज है, और उसका ही आप ट्रीटमेंट में जब यूज करेंगे तो उसको आप इमरजेंसी के टाइम भी उतना ही यूज उसका होने वाला है, कोई भी नहीं। हाँ जी, गुड रीडिंग फॉर बिगिनर, आई टेल यू, हाँ बुक्स, हाँ देयर आर सम बुक्स, हाँ वो बुक्स हम ले कर सकते हैं बाद में। तो ये जोन सुजोक की का सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप घर में भी उसका जट आप आज से ही उसका यूज देखेंगे, हो सकता है कभी आपके अड़ोस पड़ोस कोई भी हाँ उसको काम आने वाली ये चीज़ है। अब क्या करेंगे, सिर्फ ये थम के ऊपर चार जोन में, ये थम ये बॉडी है इसे सब समझ के चार जोन में उसको डिवाइड करना है। तो ये सेंट्रल लाइन इधर से खींचते हैं तो क्या हो जाएगी, वो सेंट्रल आगे की सेंट्रल फ्रंट सेंट्रल, वैसे पीछे बैक सेंट्रल, और ये साइड की, ये मेरे राइट साइड की ये जो बॉडी का फ्रंट एरिया है, तो फ्रंट एरिया में मैं ये मिड लाइन या सेंट्रल लाइन खींच रहा हूं,